जय हिंद के परिंदे को मंजिल मिलेगी, यकीनन उसके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। लाडलो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और इंक्वायरी आती है हेल्पलाइन नंबर पे कि अभी एकेडमी में कौन कौन से बैच नए शुरू होने वाले, क्योंकि पिछले जो परिणाम एकेडमी के वो दिल खुश कर देने वाले हैं। जितने भी हमारे पास में बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, अभी एसएससी जीडी में लगभग हमारे 100 बच्चों ने पेपर दिया है, उनमें से हम शर्तिया उस पिछले रिजल्ट में भी हमारी गारंटी, इस रिजल्ट में भी हमारी गारंटी है कि 60% से अबव हमारा रिजल्ट रहता है और पेपर में तो हम 70% टारगेट करते हैं। आपको आज मैं बता रहा हूं एसएससी जीडी का रिजल्ट आने वाला है, उससे पहला ये वीडियो है, मैं आपको आज बता दे रहा हूं हमारी अकेडमी के कम से कम 60 से प्लस बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे, ये गारंटी है। इससे पिछला जो पेपर था उसमें हमारे 40 बच्चों ने लगभग 57 बच्चों में से, और यही विश्वास है एकेडमी के प्रति पेरेंट्स का, इसीलिए इतनी इंक्वायरी रहती है कि सर और कौन कौन से बैच चल रहे हैं। तो जो भी बच्चा एकेडमी आके तैयारी करना चाहता है 1 फरवरी से, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से बैच नए शुरू होने वाले हैं। लाडलू सबसे बड़ी अभी आप सभी को पता है वैकेंसी आ रखी है एसएससी एमटीएस, तो पहला तो इसका बैच अभी 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। अगर आपने फॉर्म भर दिया अच्छी बात, अगर नहीं भरे हैं तो आप एकेडमी आके भी भर सकते हैं, जो बच्चा एकेडमी आना चाहता है उसके लिए। दूसरा बैच रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल, इसका भी हम अभी से बैच चला रहे हैं क्योंकि हमको पता है जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन अगर आप आके तैयारी करोगे तो आप नंबर नहीं ला पाओगे, सिर्फ तैयारी ही कर पाओगे, क्योंकि तैयारी पहले से होती है जीत की। ग्राउंड में कुछ लोग तैयारी करने के लिए उतरते हैं और कुछ तैयारी करके उतरते हैं, जो तैयारी करके उतरते हैं वो सबसे आगे होते हैं, इसीलिए हम पहले से तैयार है उसके लिए। तो रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कॉन्स्टेबल, आरपीएफ एसआई के बैच भी एकेडमी में शुरू होंगे 1 फरवरी को। दिल्ली पुलिस जिसकी वैकेंसी का तुम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस खुद इसकी वैकेंसी कराएगी या एसएससी, लेकिन बात यह है कि कोई भी कराए वैकेंसी मार्च तक आनी ही आनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका भी बैच शुरू हो रहा है 1 फरवरी से। तो जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करना चाहता है अभी आप 1 फरवरी से पहले एडमिशन करा सकते हो और 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में एकेडमी आ सकते हो। एससीएम और एएसआई, आप सभी को पता अभी सीआईएसएफ सीआरपीएफ इन सभी में एससीएम और एएसआई क्या रखी है, तो उसका पूरा बैच चलता है टाइपिंग का भी, टेस्ट का भी, फिजिकल का भी। एकेडमी में ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज की तैयारी की जाती है, सबकी तैयारी कराई जाती है। और एक परमानेंट जो हमारा बैच है एसएससी जीडी और आर्मी, ये बैच साल भर चलते हैं। एसएसजीडी का भी 1 फरवरी से वापस नए सीरीज से शुरू होगा और आर्मी का, आर्मी में बताया जा रहा है कि इस बार पेपर भी पहले हो सकता है। तो हमारा तो जो फिजिकल जब पहले था तब भी हमारे हर एक बच्चा पेपर की तैयारी करता था आर्मी में, और आपकी जानकारी के लिए बता दो अभी हमने वो पोस्ट डाली नहीं कि 15 जनवरी को हमारे लगभग 7 बच्चे पेपर दिए हैं और उसके भी 100% रिजल्ट की हमने गारंटी ली है कि 7 के 7 बच्चे पेपर पास करेंगे। अगर इतनी दावे के साथ कोई बोल सकता है बता देना, उसका वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। एक बच्चा कलर का रिजल्ट आ गया, उसने क्लियर कर लिया है, उसकी पोस्ट हम कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे। बाकी बच्चे 6 जो जीडी के बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर आने वाला है, जैसे रिजल्ट आएगा हम एक बहुत शानदार सा वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। अगर ऐसा कोई परिणाम दे फिजिकल में भी रिटन एग्जाम में भी, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, लेकिन हमको चाहिए समय कि आप समय से पहले आके तैयारी करो। तो जिन बच्चों की अभी एज नहीं हुई है या जो बच्चे एसएससी जीडी में जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो अगली एसएससी जीडी को टारगेट करना चाहते हैं, तो अभी आपको एकेडमी आना पड़ेगा लाडलो, तभी आप उस समय सेलेक्ट हो पाओगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो भी हम बच्चे को बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे 70% रिजल्ट रखेंगे, उन बच्चों को लगभग 9 महीने हो गए तैयारी करते हुए, यानी वो पहले से ही प्रिपेयर थे इस वैकेंसी के लिए, समझ में आई बात। वैसे अगर आप प्रिपेयर रहना चाहते हो तो 1 फरवरी से ये बेस शुरू हो रहे हैं, तो आप जिसकी भी तैयारी करनी है अभी से एकेडमी में आ सकते हो लाडलो। बाकी आपको कोई भी संदेह कुछ भी हो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल घुमाइए और पूरी बात कर लीजिए लाडलो, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी जानकारी चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।